हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड की इंग्लिश पोएम, ट्वेल्थ पोएम, काउंट योर गार्डन। काउंट योर गार्डन, इसमें कोई पोएट नहीं है इस पोएम के, तो ये पोएम जो है बहुत अच्छी है। ये पोएम हमें बहुत एनकरेज कर रही है, बहुत प्रोत्साहित कर रही है हर चीज़ों में। और इसके जितने भी चारों स्टैंजा है ये बहुत ही मीनिंगफुल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल। इस स्टैंजा का मतलब है, काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल। पहले हम मीनिंग देखेंगे। फ्लावर्स यानी फूल, लीव्स यानी पत्ते। हम गार्डन में जाते हैं तो कहीं सारी चीजें देखते हैं, जैसे फूल पत्ते होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज लाइक टू गो टू गार्डन एंड सी मैनी थिंग्स, एंड वी सी मैनी थिंग्स लाइक फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल बटरफ्लाइज एंड मैनी मोर थिंग्स वी सी इन गार्डन। एंड समटाइम्स वी सी दैट बीज आर बजिंग, आर बिजी वाइल कलेक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम द ओपनिंग फ्लावर। एंड समटाइम्स वी सी दैट But birds are sitting on trees and singing in a melodious and beautiful voice. So same thing, that our life is just like garden, and sometimes we don't like to see. And what we don't like to see is that some dry or fallen flowers from the tree, ये हमें नहीं पसंद है। कभी कभी हमें देखना, हमें ये सब नहीं पसंद है गार्डन में। तो वही हमें पोएम भी यही बता रही है कि हमारी लाइफ बिल्कुल एक गार्डन की तरह है। तो हमें हमारी लाइफ को अच्छे से, खुशहाली से जीना चाहिए। हमारे अच्छे अच्छे पार्ट को, हैप्पी पार्ट्स को, हमारी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को याद करना चाहिए, हैप्पी मेमोरीज को याद करना चाहिए, जो हमने हमारी अच्छे फैमिली के साथ में या हमारे किसी भी क्लोज फ्रेंड के साथ में हमने स्पेंड की हो उसे। तो वही थिंग हमें याद पोएम बता रही है कि दैट इन आवर लाइफ गुड एंड बैड कम्स। हमारी लाइफ में अच्छा बुरा आता जाता है और बुरा टेम्पररी है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। एग्जाम्पल, हमारे दिमाग में जैसे कि अगर हम एक पौधा उगा रहे हैं, तो आप कोई भी एक पौधा उगा रहे हैं आपके घर में, अगर आप रोज का है तो आप रोज की बर्ड डालोगे तो रोज उगेगा। यार आप अगर कोई मूंग या बाजरा ऐसा कुछ अगर आप उगा रहे हो सीड डाल के, तो आपको वही फ्लावर्स या आपको वही प्लांट ग्रो होते हुए दिखेगा। तो सेम थिंग हमारी माइंड में भी, हमारे माइंड में अगर हम नेगेटिव थिंकिंग डालेंगे तो नेगेटिव ग्रो होगा, और पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग ग्रो होगी। So that poet has encourages a lot, and that we should always be happy. In second stanza, count your days by golden hours, don't remember clouds at all. So second stanza means that golden hours means a beautiful memory, which we had seen in our past. सो दैट डोंट रिमेम्बर क्लाउड्स एट ऑल। और हमें रिमेम्बर यानी हम याद नहीं करना चाहिए, याद जो हम पुरानी चीजें याद करते हैं, रिमेम्बर यानी याद, वी शुड नॉट रिकॉल। सो यही थिंग हमें सेकेंड स्टैंजा में, अगर सेम थिंग पोएम यही बता रही है दैट वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रिमेम्बर आवर हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यू हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय विथ योर पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स or with their relatives, and we should not remember what bad part of our life has gone through us. जो भी हमारे कोई नुकसान पहुंचा हो या कुछ भी, हमें अच्छे टाइम को याद करना चाहिए, ना कि क्लाउड्स यानी बुरे वक्त को याद करना चाहिए। थर्ड स्टैंजा, काउंट द नाइट्स बाय स्टार्स नॉट शेडोज, काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर्स। यानी शेडोज यानी डार्कनेस, परछाई, और टीयर्स यानी आंसू। तो थर्ड स्टैंजा में हमें ये बता रहा है कि इन आवर लाइफ समटाइम्स वी गोइंग थ्रू इन अ डिफिकल्ट फेज और अ सिचुएशन, कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन से या कोई डिफिकल्ट फेज से हम गुजर रहे हैं या फिर हम गुजर चुके हैं, तो उस चीज को नहीं याद करना चाहिए और हमें हमारी हमेशा खुशियों को गिननी चाहिए।
नहीं कि टीयर्स को, टीयर्स को याद नहीं करना है। हमें वो चीज करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है, ना ही कि जिससे हमें रोना पड़े, जिससे हमारे आंखों में आंसू आए। तो वही यहाँ पर चीज है कि समटाइम्स इन आवर लाइफ देर इज अ डार्कनेस एंड लाइट, बट द डार्कनेस इज टेम्पररी, सो वी शुड डू नॉट डू दैट थिंग्स दैट विच मेक्स अस दैट विच ब्रिंग्स अस टीयर्स, एंड वी शुड डू दैट थिंग्स दैट विच मेक्स अस हैप्पी। हमें वो चीज करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, और वो नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आंखों में आंसू आए और हमें हमेशा हमेशा हमारी अच्छी बातों को और अच्छी मोमेंट को याद करना चाहिए। यही हमारे को इस पोएट और जो ये हमारी पोएम है बता रही है। एंड विद जॉय ऑन एवरी बर्थडे काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट योर्स, और हमें हमेशा हमारे हर बर्थडे वाले दिन जो जॉय यानी हैप्पीनेस, जॉय हैप्पीनेस से हमारा बर्थडे यानी जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना ही कि हमारे एज से, एज को नहीं गिनना चाहिए, ईयर्स को नहीं गिनना चाहिए। जो भी जितने हमने हमारे फ्रेंड्स के साथ में हमारे ईयर्स बिताए हैं तो हमें उसे याद करना चाहिए, ना ही कि हमें हमारा अपने ईयर्स को अपने हाथों पर गिनना चाहिए या उससे सैड होना चाहिए। तो वही बस पोएट हमें बता रहे हैं। सो इन दिस पोएम दैट पोएम हैज एनकरेज्ड अस अ लॉट, वी शुड ऑलवेज काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड ऑलवेज इन मॉर्निंग व्हाइल गेटिंग अप वी शुड थैंक आवर गॉड। तो जैसे कि जब भी ये जो हमें सुबह में हम जब उठते हैं तो हमें हमारी ब्लेसिंग्स को गिननी चाहिए कि हम कितने खुश हैं अभी, ना ही कि हमें दूसरों से जेलसी करनी चाहिए, बस हमारी ब्लेसिंग्स गिननी चाहिए। और हमेशा हमारे बर्थडे वाले दिन खुशी से मनाना चाहिए बर्थडे, ना ही कि हमारी एज गिननी चाहिए। तो यही पोएट बता रहा है कि हमारे बर्थडे वाले दिन हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ में हमने जो अच्छे टाइम जो बिता है उसे गिनना चाहिए, और उस दिन हमारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ में अच्छे से उस दिन को खुशहाली से बिताना चाहिए, हमारी ब्लेसिंग्स गिननी चाहिए। तो वही है इस पोएम के अंदर कि वी शुड ऑलवेज काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड ऑलवेज व्हेनेवर स्टूडेंट्स वी शुड थैंक आवर गॉड और इन मॉर्निंग और एट नाइट। सो इन मॉर्निंग व्हाइल गेटिंग अप वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड दैट ही गेव अस एन अनदर डे टू शाइन टू इम्प्रूव मोर एंड आवर सेल्व्स ऑल्सो, कि हम हमारी सेल्फ को और इम्प्रूव करेंगे। एक न्यू डे मिला है हमें, न्यू थिंग्स को चैलेंज करने, न्यू पीपल से हम मिलेंगे, हम नवे लोगों से मिलेंगे, नई बातें सीखेंगे, बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। तो हमें यही गॉड से प्रार्थना करना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज थैंक हिम इन मॉर्निंग व्हाइल गेटिंग अप एंड सेम थिंग व्हाइल गोइंग टू बेड वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी अ ब्यूटिफुल डे that which I had learned something new and met some new people and I got knowledge from them also. So we should always thank whenever in which in any situation we should, if you have passed and you have or you have been achieved something good at any time, so we should always thank God. Same thing had poet in this poem we had understood whatever we had learned in this poem. So that always thank to our God, and we should always think lucky that we are very lucky that we have our parents, they are our guidance, they are our protector, they are our protection. So that what we have, we should be happy in that only, and we should ignore our negative people or negative thinking. Always happy and think positive in a positive manner. That poem has encouraged us a lot, and we should live our life just like a beautiful garden. So students, now we will finish our poem, and this poem is very nice. That students, thank you, please share with your friends, with your classmates, and subscribe to our channel. Thank you, like, share and comment.